ग्लेन ब्रेड मेकर GL 3034 में आज हम बेसिक ब्रेड बनाएंगे। उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमारा मैदा है, जो है अप्रॉक्स 600 ग्राम से। सेकंड इंग्रेडिएंट हमारा नमक है। थर्ड इंग्रेडिएंट शुगर, चीनी। फोर्थ इंग्रेडिएंट बटर, मक्खन। फिफ्थ ड्राई मिल्क पाउडर। सिक्स इंग्रेडिएंट ड्राई एक्टिव यीस्ट है, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। एंड सेवेंथ हमें पानी चाहिए होगा। सबसे पहले बेसिक ब्रेड बनाने के लिए लिड को ओपन करें, नीडिंग ब्लेड ड्राई शाफ्ट में फिक्स करें। इसके बाद क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली हम इसमें सामान डालेंगे। मेजरिंग कप से आप इसमें सबसे पहले पानी डालें, जो है 1 + 1/3 कप। ये 1 कप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे सिंबल्स बने हुए हैं जो आपको इसमें नज़र आ जाएगा। 1 कप + 1/3 कप, 1/3 का सिंबल यहाँ पे आ रहा है। 1/3 कप हमने इसमें पानी डाल दिया। इसके बाद 4 + 1/4 कप हम इसमें मैदा डालेंगे। वन कप टू कप्स थ्री कप फोर कप एंड लास्ट 1/4 कप। जो मेजरिंग यूनिट से आपका यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। मैदा डालने के बाद इस पे आप 4 टेबलस्पून, जो बड़ा वाला चम्मच है इससे हम 4 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे। ये हम साइड्स में डाल रहे हैं। 2, 3 and 4 स्पून। इसके बाद हम 2 teaspoon सॉल्ट डालेंगे। ये भी हम साइड में डालेंगे छोटे वाले चम्मच से, जो हमारा टीस्पून है। ड्राई मिल्क पाउडर डालेंगे बड़े वाले चम्मच से, 2.5 चम्मच, 1 स्पून, 2 and 1/2। इसके बाद हम बटर डालेंगे 2.5 चम्मच बड़े वाले से। सबसे लास्ट में हम इसमें यीस्ट डालेंगे। यीस्ट डालते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि ये पानी और नमक के कांटेक्ट में ना आए। इसकी क्वांटिटी 2.5 स्पून है छोटे वाले से। ये 1 स्पून। इससे पहले हमें इसमें डिम्पल बनाएंगे। इसमें डिम्पल बन गया है। इसी डिम्पल में हम यीस्ट को डाल देंगे 1 स्पून। ये 2 स्पून and 1/2 स्पून है। इसको डालने के बाद लेट को आप बंद कर दीजिए। वायर को प्लग इन करें, स्विच ऑन करें, स्विच ऑन हो जाएगा। बेसिक ब्रेड की सेटिंग इसमें बाय डिफॉल्ट सेट है,
स्क्रीन पर नंबर वन शो होगा एंड थ्री आर्स शो होंगे। कलर आपको चेंज करना है, उसके लिए कलर बटन प्रेस करके आप कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद 1000 ग्राम्स है जो ब्रेड का साइज़ है, लोफ से आप उसको सेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो 1000 ग्राम जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। इसके बाद स्टार्ट स्टॉप बटन को 1.5 सेकंड्स के लिए प्रेस करें और प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आप लाइट बटन को प्रेस करें, अंदर लाइट जल जाएगी और अंदर हो रही प्रोसेस आप ऊपर से देख सकते हैं। लाइट बटन को अगर आप 1 मिनट तक नहीं दबाएंगे तो ये अपने आप ऑफ हो जाएगी। इसको बंद करने के लिए लाइट बटन दोबारा प्रेस कर दें। चालीस मिनट बाद इसमें बीप साउंड बजेगी, वो आपको अलार्म देगी इस चीज़ का कि आप इसमें नट्स, ड्राई फ्रूट्स अगर आपको ब्रेड में डालने हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हैं। चालीस मिनट के बाद जब दो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, नीड वन और राइज वन, उसके बाद हम ब्रेड को देखेंगे।